मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू और ये सेम की सब्जी बनाने जा रही हूँ। लेट तो काफ़ी हो गया है, 7:30 बज रहे हैं। हस्बैंड को 9 बजे ऑफिस में करना पड़ता है और बच्चे का आज स्कूल बंद है। मैसेज आया था कि इनका स्कूल आज बंद है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और बताइए फ्रेंड्स, कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती है कि क्या मतलब जो आप कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या है नहीं है। और सीम की सब्ज़ी, क्योंकि ठंडी में ना ये सब अच्छा लगता है, सीम की सब्ज़ी और आलू गोभी की। गोभी तो फिर खैर वो गर्मी में भी गिर गया था बहुत, तो अच्छा नहीं लगता था खाने में। सीम की सब्ज़ी बना रही हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जो भी बन जाता तो ठीक रहता है। अभी बाबू सो रहा है तो करा जाएगा, तो उसमें भी मतलब लगना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि जल्दी से बनाकर काम ख़त्म कर लूँ। सास आई है मेरी गांव से, तो उनको भी समय से चाहिए भाई खाना पीना। तो मेरा तो खाना तो खैर वैसे बन ही जाता है, मेरा काम ना बहुत जल्दी होता है। सुबह भी खाना जल्दी बना लेती हूँ और शाम को भी खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। कल मार्केट जाना था, कल मैं मार्केट भी नहीं गई, काम ही करने में इतना टाइम हो गया कि समझ ही नहीं आया फिर कल मार्केट गई फ्रेंड। और जल्दी जल्दी करके सोच रही हूँ कि फ्री हो जाओ, क्योंकि कपड़े रखे मशीन बहुत सारे, तो कपड़े भी धुलने हैं। रात में लड्डू ना बहुत परेशान करता है, ऐसा लगता है कि नींद ही नहीं पूरा हुआ फ्रेंड, बिल्कुल नींद नहीं पूरा होता है, सोने नहीं देता है मुझे वो। मतलब एक तो 11 बजे रात तक खेलते रहा, खेला काफ़ी खेला, खेलते खेलते फिर परेशान हो गया, तब जाके वो दूध पीकर सो गया था। अभी वो सोया हुआ नहीं तो अभी नीचे ही आ जाता पापा के साथ। मैं वैसे फ्रेंड ये बता दूँ कि मैं बिहारी हूँ, बट मेरा ससुराल यूपी क्षेत्र में है, कानपुर में है हमारा, और मेरा मायके पड़ता है पटना बिहार साइड, और मैं यहाँ आ गई हूँ कानपुर में, तो मेरा कानपुर में ससुराल है। फ्रेंड ठीक है फ्रेंड, अभी जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ। सबके लिए आज के लिए ही इतना, फिर मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, नमस्ते।